हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन कौशल विद्या भवन, इंग्लिश मीडियम, सेमेस्टर वन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड फिफ्थ, सब्जेक्ट हिंदी। उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, क्रिकेट का खेल, एक्सप्लेनेशन। सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब बड़ा हो जाता है, दोनों साथ में देती हूँ तो एक्सप्लेनेशन प्लस एक्सरसाइज, इसीलिए दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है मैंने। तो चलिए, ये चैप्टर नंबर है क्रिकेट का खेल। तो ये क्रिकेट क्या है और इसका खेल कैसे खेला जाता है बच्चों, तो इसके बारे में बेसिक आपको नॉलेज आई थिंक होगा, बट अगर नहीं है तो आप यूट्यूब पर उसको सर्च करें और उसको देखें कि उसके रूल्स रेगुलेशन कैसे है, उसको कैसे खेला जाता है, कितने प्लेयर्स होते हैं उसमें, वो सब आपको उसमें देखना है। ओके, तो इसका बेसिक नॉलेज कम्प्लीटली आपको होना चाहिए और देन उसके बाद ही आपको इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट पड़ेगा। चलिए चलते हैं बातों बातों में। सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते ही आपको किसी खेल की याद आती है? कौन से खेल की याद आती है आपको? सचिन तेंदुलकर है, वो क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा महानायक क्रिकेटर है। तो आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर सब उसको जानते हैं। क्रिकेट है उसका खिलाड़ी है वो, तो उसके साथ वो क्रिकेट का नाम जुड़ा हुआ है और लोग उसको क्रिकेट के नाम से ही याद करते हैं। बॉल के प्रयोग से कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, तो द लिस्ट बना आपको मैं एक बनाना है कि बॉल के प्रयोग से कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। फुटबॉल, वॉलीबॉल और ये क्रिकेट, एंड देन और कोई आपको अगर गेम याद हो तो आपको ये इसमें एडिट करना है, मतलब लिस्ट बनाना है। तो एक क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इस पाठ में से क्रिकेट के खेल का इतिहास और उसके विषय में जानकारी दी गई है। क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल है तो उसके साथ ही वह मनुष्य को बहुत बहुत कुछ सिखाता है। जो खिलाड़ी टीम के अनुशासन में रहकर आत्मविश्वास से खेलते हैं वही सच्चा खिलाड़ी होता है। मतलब कि जो खिलाड़ी अनुशासन में रहना मतलब कि सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना, डिसिप्लिन में रहना, वो सब उसमें इंक्लूडिंग होना चाहिए। खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, अनुशासित खिलाड़ी होना चाहिए, तो एक तो ही वो सच्चा खिलाड़ी बन सकता है। भारत में क्रिकेट के खेल का प्रारंभ पिछली शताब्दी में हुआ। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय क्रिकेट टीम की गिनती दुनिया की चोटी की टीमों में की गई जाने लगी है। मतलब चोटी मतलब सबसे ऊपर की टीमों में, दुनिया की पूरे विश्व की ऊपर की टीमों में क्रिकेट की गिनती अब होने लगी है और भारतीय क्रिकेट टीम की गिनती होने लगी है। तो हमारे भारत के देश के जो क्रिकेटर है उसने अपना ऐसा बहुत बड़ा नाम बनाया है वर्ल्ड में कि लोग उसको क्रिकेट के नाम से याद करते हैं। यह खेल दो टीमों के बीच खेला जाता है और हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट के अंडरलाइन कीजिए, आपको बोले कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खिलाड़ी 11 होते हैं। ओके, 11 खिलाड़ी होते हैं, अंडरलाइन कीजिए। क्रिकेट के ग्राउंड पर घास लगी होती है। पहले मैदान तैयार करने के लिए कच्चे मैदान पर नारियल या पटसन की चटाई बिछाकर उस पर कीले ठोक दी जाती थी। पहले क्या किया जाता था कि उस पर घास है वो लगाई जाती थी और उसके बाद मैदान तैयार करने के लिए नारियली का जो पटसन की चटाई होती है वो बिछाई जाती थी। तो मतलब पूरा ही ग्राउंड तैयार करना पड़ता है पहले क्रिकेट का और उसके बाद ही इसको खेला जाता है। क्रिकेट की सबसे प्रमुख चीज़ें बल्ला और गेंद है। बल्ला मतलब जो बैट होता है वो, और गेंद मतलब कंदुक, बॉल। कंदुक मतलब संस्कृत में बॉल होता है उसका मीनिंग। तो गेंद और बल्ला का यूज़ होता है, अंडरलाइन कीजिए। गेंद और बल्ला मतलब एक ये बल्ला है और गेंद मतलब बॉल।
किसी भी टीम में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं, कुछ वे जो बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं और कुछ वे जो गेंदबाजी अच्छी कर लेते हैं। बल्लेबाजी करना मतलब बैट चलाना जानते हैं वो, और गेंदबाजी करना मतलब बॉलिंग करना जानते हैं वो खिलाड़ी। तो दो टाइप के खिलाड़ी होते हैं, जो बल्लेबाजी अच्छे से करते हैं वो और गेंदबाजी अच्छे से करते हैं वो। गेंदबाज दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें फास्ट बॉलर और स्पिनर के नाम से जाना जाता है। दो टाइप के बॉलर होते हैं, अंडरलाइन कीजिए यहाँ पर। बॉलर फर्स्ट है वो फास्ट बॉलर है, और स्पिनर नाम का जो बॉलर है वो स्लो बॉलर होता है। प्रत्येक टीम का एक खिलाड़ी विकेट कीपिंग का मोर्चा संभालता है। विकेट कीपिंग मतलब जो विकेट पड़ती है तो उसके लिए उसका मतलब टोटली वो सब करता है। किन्हीं दो टीमों के बीच में मैच प्रारंभ होने से पहले सिक्का उछालकर टॉस किया जाता है। टॉस करना मतलब कि तय करना कि कौन सी टीम बैटिंग करेगी और कौन सी टीम बॉलिंग करेगी। विजित टीम के कप्तान को बैटिंग का या फिर फील्डिंग चुनने का अवसर दिया जाता है, और जिसका टॉस पड़ता है उसको चूज करना है कि वो बैटिंग करेंगे या फिर बॉलिंग करेंगे। फील्डिंग करने वाली टीम के सभी खिलाड़ी मैदान में आते हैं, जबकि बैटिंग करने वाले टीम के केवल दो ही खिलाड़ी यह खेल में भाग लेते हैं, और संख्या पर निर्धारित होता है। एक ओवर में 6 गेंद फेंकी जाती है, अंडरलाइन कीजिए 6 गेंद फेंकी जाती है। मतलब कि जो बैटिंग करते हैं उसमें दो ही खिलाड़ी आते हैं बैट लेकर टीम में, और जो बॉलिंग करते हैं उसके सब खिलाड़ी आते हैं, और दोनों ही टीम का मतलब टर्न होता है 1-1। तो ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ बैटिंग करनी है और उसके बाद बॉलिंग करने का उसको मौका नहीं मिलेगा, वो सब नहीं होता है। दोनों ही टीम का टर्न आता है, उसे रन करने का मौका मिलता है। ओके, और एक ओवर में कितनी गेंद फेंकी जाती है? एक ओवर में 6 गेंद फेंकी जाती है, 6। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के 3 रूप प्रचलित है। टेस्ट मैच जो 5 दिन के लिए खेला जाता है, जो कभी कभी 3 या 4 दिन में ही समाप्त हो जाता है। एक दिवसीय मैच जिसमें दोनों टीम के अधिकतम 50-50 ओवर खेल सकती है, और T20 जिसमें 20-20 ओवर खेलने की होती है। 3 टाइप के खेल होते हैं, उसमें टेस्ट मैच होती है, फिर T20 होती है, और एक दिवसीय मैच में, मतलब तीनों ही अंडरलाइन कर लीजिए आप। ओके, टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच और T20। एक दिवसीय में 50 ओवर खेली जाती है, और T20 में 20-20 ओवर खेली जाती है। टेस्ट मैच में क्रिकेट खिलाड़ी की पोशाक सफ़ेद कमीज, सफ़ेद पतलून, उनके मोटे सफ़ेद मोजे और क्रिकेट के सफ़ेद बूट होते हैं। मतलब पूरा ही वाइट होता है टेस्ट मैच का यूनिफॉर्म, और इन बूटों के नीचे कीले लगी होती है, जिसमें घास के मैदान पर उनकी अच्छी पकड़ बन जाती है। कीले लगी होती है तो जैसे कहते हैं ना कि स्टिकर्स, तो वैसा ही उसका मतलब वो पैटर्न होता है, तो घास के मैदान में वो अच्छे से खेल सकते हैं। यहाँ पर देखो क्रिकेट के महानायक, तो ये फोटो किसकी है वो आपको ढूंढना है गूगल पर, और ये इसको कौन सा अवार्ड मिला था वो भी आपको ढूंढना है। आपने शायद देखा होगा, मैंने तो इसको टीवी पर देखा है। ओके, तो ये आपको पूछना है अपने मम्मी पापा से, किसी को घर में, कि ये किसकी फ़ोटो है। ओके, चलिए, बल्लेबाज के लिए केवल तकनीक और कला का जानना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनमें बड़े मैचों में खेलने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। उनका स्वयं पूरा नियंत्रण होना चाहिए, घबराए बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलने का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि क्रिकेट परिश्रम, कौशल, सूझबूझ और दूरदर्शिता का खेल माना जाता है। उसमें मेहनत भी बहुत लगती है,
और दूरदर्शिका भी होनी चाहिए, सूझबूझ भी होनी चाहिए, वरना हम हारने में ज़्यादा देर नहीं लगती। टीम के कप्तान का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है। उसे अपनी टीम के खिलाड़ियों को उचित समय पर प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। फ्रैंक वारेल और सर गैरी सोबर्स, अंडरलाइन करना, फ्रैंक वारेल और सर गैरी सोबर्स, दोनों में अंडरलाइन करो, महान कप्तानी के एक ऐसे उदाहरण है। कप्तान मतलब क्या करता है, पूरी ही टीम है उसका हैंडलिंग वो करता है, जो कैप्टन होता है वो, तो उसके भी कुछ गुण होने चाहिए कि जो वो पूरी टीम को कैसे हैंडल कर सकता है। जिन्होंने अपने समय में वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों को इस समय इस तरह ढाला और संगठित किया था कि वे दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते थे। वेस्ट इंडीज़ को पूरा ही ट्रेन किया था, वो कहते हैं किसने किया था, ये दोनों ने, सेरिगो सोबर्स और फ्रैंक वायरल ने वेस्ट इंडीज़ को ट्रेन किया था, तो वो किसी को भी हरा सकते थे। हमारे भारतीय खिलाड़ियों में विजडन पुरस्कार विजेता कपिल देव, मैंने आगे बोला था ना कि ये किसका फोटो है, तो ये कपिल देव का फोटो है जिसने विजडन पुरस्कार शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित करते हुए कहा गया, ऐसा सम्मान 100 वर्षों में एक बार प्राप्त होता है। ऐसा सम्मान हर कोई क्रिकेटर को नहीं मिलता है, जो कपिल देव को मिला था विजडन पुरस्कार, और 100 वर्षों में एक बार इसको प्राप्त हुआ था और अभी तक किसी को नहीं हुआ है। देन सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के इतिहास में इतने कीर्तिमान स्थापित किए कि इस सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी के कीर्तिमानों पर संपूर्ण भारतीयों को गर्व है। उनकी उपलब्धियाँ के कारण उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है, उसको भी भारत रत्न से सम्मानित किया है, उसको भी विजडन जो पुरस्कार है वो नहीं मिला है, बट भारत रत्न पुरस्कार उससे मिला है, भारत सरकार ने उसको सम्मानित किया था। क्रिकेट के खेल से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यह हमको अनुशासन, टीम भावना सिखाता है, यह हमें विनम्रता की भी सीख देता है, क्योंकि हो सकता है कि एक दिन आप बहुत सफल हो और दूसरे दिन आपका खेल बिल्कुल ही घटिया हो, ऐसा हो सकता है। इसीलिए विनम्र बनना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक दिन बहुत अच्छा आप खेल पाए और दूसरे दिन आपको अगर कुछ तकलीफ हो गई या फिर कोई मतलब बीमारी आ गई और आप अच्छी सी मतलब पूरी ही जो कहते हैं ना कि अच्छी सी एक्टिंग वहाँ पर मैदान में नहीं कर पाए, तो उसके दिन आपका पूरा ही खेल बिगड़ जाता है। क्रिकेट भी यही सिखाता है कि प्रतिद्वंद्वी को भी कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, इसको कहते हैं सही खेल भावना। और प्रतिद्वंद्वी जो हमारे कॉम्पिटेटर है उसको कभी भी कम नहीं समझना चाहिए कि भाई ये कुछ नहीं कर सकता, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। बिकॉज़ आप ऐसी अगर ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे तो कभी कभी आप हार भी सकते हैं। क्रिकेट के मैदान में आपको जो भी सीख मिलती है वह आगे चलकर जीवन में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। 2011 में भारतीय टीम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप में और उससे पहले T20 में प्रतियोगिता में भी विश्व कप जीतने से कामयाब हुई थी। इससे पहले भारतीय टीम 1983 में भी एक दिवसीय विश्व कप जीता था। तो मतलब हमारी भारतीय टीम ने बहुत बार विश्व कप, वर्ल्ड जो कप होता है क्रिकेट टीम के लिए, वो उसने हासिल किया था, तो इसलिए हमें भारतीय क्रिकेट टीम पर बहुत गर्व है। अब तो भारत में भी मैचों IPL का नव युग प्रारंभ हुआ है और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हिस्सा लेते हैं। इस नव युग में आप भी इस खेल में आनंद ले रहे और खेल रहे हैं, मतलब कि आप भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इसमें दाखिल नहीं हो सकते और सिर्फ भारतीय और या फिर बाहर के खिलाड़ी भी बहुत अच्छे होते हैं उसको भी सिर्फ एडमिशन मिलता है, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो सबका सपना पूरा हो सकता है।
तो ये भारतीय क्रिकेट टीम के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा, जो हमारा कहते हैं ना विश्व लेवल के क्रिकेट गेम का, हमारे भारतीय के मतलब हिस्से में बहुत सारा अच्छा रिकॉर्ड मिला है, तो इसीलिए विश्व में भारत की क्रिकेट टीम बहुत फेमस हो चुकी है। बच्चों, तो ये क्रिकेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। आपको अगर अच्छा लगा है तो इसको, इसके बारे में ज़्यादा सर्च करने का प्रयास कीजिए, गूगल यूट्यूब का प्रयोग कीजिए, उसमें क्रिकेट को कैसे खेला जाता है और उसके रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन कौन उसमें अच्छी सिद्धियाँ हासिल की है, ओके। तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। दिस इज़ अ जनरल नॉलेज, ओके, हिंदी में दिया है पर चैप्टर पर आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहेगा। चलिए शब्दार्थ लर्न एंड राइट। चोटी मतलब शिखर और श्रेष्ठ, उसके बाद संभव, हो सके, जो हो सके, पॉसिबल, साधारणतः, आमतौर पर, प्रवृत्ति, मन का किसी और झुकाव, आदत, अभ्यास, किसी काम को बार बार करना, प्रैक्टिस, कौशल, योग्यता, दूरदर्शिता, दूर की बात सोचने का गुण, प्रेरित, प्रेरणा प्राप्त करना, प्रोत्साहित, उत्साह बढ़ाना, अनुशासन, नियम पालना, विनम्रता, विनयी, नरमी, और प्रतिद्वंदी मतलब बराबरी का, लड़ने वाला। उसके बाद मुहावरा है, चोटी में गिना जाना सर्वश्रेष्ठ माना जाना, कि भारतीय क्रिकेट टीम में कपिल देव है वो चोटी में गिने जाते हैं, तो यहाँ पर उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसका अर्थ होता है। श्रुत लेखन, शताब्दी, ग्राउंड, फीलिंग्स, अंतर्राष्ट्रीय, 20, असाधारण, दूरदर्शिता, प्रोत्साहित, विजडन, पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ कीर्तिमान और प्रतिद्वंदी, ये सब आपको लिखने हैं और लर्न करने हैं, शब्दार्थ भी करने हैं और एक चैप्टर को पूरा ही रीड करना है अच्छे से उसके, और क्रिकेट के बारे में कुछ इंटरनेट पर सर्च भी करना है, ओके। तो चलिए होमवर्क देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 7, रीड द चैप्टर, लर्न एंड राइट हार्ड वर्ड्स इन द नोटबुक विथ गुड हैंड राइटिंग, आपको लिखना भी है और लर्न भी करना है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।